एशिया कप के लिए भारतीय टीम का चयन हो गया है। 17 खिलाड़ियों को पिक किया गया है, क्योंकि 17 आप कर सकते थे, लेकिन 18वां खिलाड़ी जो है वो है संजू सैमसन, यानी कि संजू की जगह 17 में नहीं है तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव की है, यूसी चहल की जगह 18 में ही नहीं है। भाई कर लेते हैं बात, एशिया कप का स्क्वाड विद केएल राहुल एंड श्रेयस अय्यर हो गया अनाउंस। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। ठीक है, आप अच्छे हैं, दुरुस्त हैं, दुरुस्त रहिए, और बड़े बेसब्री से एकदम विद द बेटेड ब्रेथ वी वर वेटिंग कि भैया कब आएगा एशिया कप का स्क्वाड, क्या कहानी बनेगी, कौन रहेगा, कौन जाएगा। उसके बाद खबर आई कि 17 लोगों का आप चयन कर सकते हैं, 17 का आप चयन कर लीजिए, एक ट्रैवलिंग रिजर्व हो जाता है, हो गया 18। आई मीन कुल मिला के 20 ही लोग थे सेलेक्ट करने के लिए, ऑनेस्टली 20 से ज्यादा 21 लोग मुझे नहीं जहन में नहीं आ रहे हैं कि अरे बहुत सारे नाम थे और उनका चयन नहीं हुआ, और तो जितने हो सकते थे सबको सेलेक्ट कर लिया गया। सिर्फ यूजी चहल जो है वो थोड़ा सा मिस आउट कर गए हैं। शिखर धवन, मतलब हम लोग चर्चा करते हैं, पर शिखर धवन कभी भी वो इस सूची का हिस्सा थे ही नहीं। ऋतुराज गायकवाड ने अभी रन बनाया तो सडनली देर इज अ लॉट ऑफ चैटर अबाउट हिम, पर वो भी इस सूची का हिस्सा नहीं थे। वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, अगेन ये वन डे स्कीम ऑफ थिंग्स में फॉर सम रीजन अभी नहीं है। तो जितने बचे थे वो सारे के सारे जो भी चर्चा का मतलब हिस्सा थे, अब वो सब के सब सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ये तो रही भैया आपके सामने टीम, ये जो टीम बनाई गई इसमें रोहित शर्मा कप्तान है, ऑफकोर्स देंद्र शुभमन गिल, ईशान किशन है, विराट कोहली है, सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, केएल राहुल है, श्रेयस अय्यर बोथ आर बैक। केएल राहुल को बता रहे हैं कि अभी भी हल्की सी निगल है, श्रेयस अय्यर पूरी तरह से फिट है। देन यू गॉट हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या के बाद आपको रविंद्र जाडेजा, अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर के रूप में तीन ऑलराउंडर्स दिखेंगे। फिर कुलदीप यादव के रूप में एक और आपको जेन्युइन स्पिनर, एकमात्र जस्ट स्पिनर आपको मिलेगा। फिर आपको प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, एंड देन द ट्रैवलिंग रिजर्व में मिल गए आपको संजू सैमसन। आई होप आई डिडंट मिस एनीवन। इन सबको भाई चयन हो चुका है, इस टीम का चयन हो गया है। अब एक एक करके चलते हैं। पहली जो बड़ी खबर है वो यही है कि संजू सैमसन का नाम नहीं है। अब संजू सैमसन का नहीं है, उनका नाम किस जगह पे आ सकता था, या तो तिलक की जगह आता या सूर्य की जगह आता, इन दो में से किसी एक की जगह, वो 11 में तो नहीं पर 17 का हिस्सा बन सकते थे। और देर इज अ लेजिट क्वेरी थोड़ा सा शायद संजू सैमसन के फैंस एंड संजू सैमसन हिमसेल्फ हो सकता है कि अपने आप को थोड़ा सा अनलक्की समझे। अब क्यों समझेंगे अनलक्की, क्योंकि अभी भी ओडीआई में तो उनका प्रदर्शन अच्छा है, 50 ओवर का इनका औसत है, 150 इन्होंने वेस्ट इंडीज में बनाया था, अच्छा तो खेलते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इनके पास थोड़ी सी वो है, क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस था, वो कहते हैं ना वर्क एक्स, कि भैया अपना सीवी भेजते हो उस पर वर्क एक्स लिखा जाता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है। तो ओडीआई क्रिकेट में इनका वर्क एक्सपीरियंस है, नीचे बैटिंग करते हैं और कीपिंग भी आपको करके दे देते हैं अगर केएल राहुल उपलब्ध नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे इनिशियल मेरी थॉट थी कि अगर तो मिडिल ऑर्डर में खेलना आपके कीपर को, तो फिर केएल राहुल के बाद सेकंड पर्सन इज डेफिनेटली संजू सैमसन, ये मिडिल ऑर्डर के लिए था। लेकिन अगर बतौर ओपनर आपके पास जगह बन सकती है तो फिर ईशान किशन विदाउट शैडो ऑफ डाउट ही इज योर सेकंड विकेट कीपर। इनफैक्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम वो इस टीम में तो वो पहले विकेट कीपर होंगे, क्योंकि अगर केएल राहुल उपलब्ध नहीं है, इंजर्ड है, निगल है, नहीं होंगे पहले मैच के लिए उपलब्ध, हालांकि अभी टाइम है, तो फिर ईशान किशन आपको कीपिंग करते नजर आएंगे। पर लेट्स स्टिक टू संजू अ लिटिल बिट मोर। अब संजू किसकी जगह आ सकते थे, तिलक वर्मा या फिर सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव की अभी तक कहानी जो ओडीआई क्रिकेट में है वो अच्छी नहीं रही। खिलाड़ी बहुत अच्छा है, हम सब जानते हैं, हम सबका दिल भी करता है कि इनको इनका वनडे करियर जो है वो एकदम से परवान चढ़ जाए और ये आउट होने का नाम ना ले, ये वो काम करें जो T20 क्रिकेट में भारत के लिए करते हैं या फिर मुंबई के लिए करते हैं। लेकिन सच ये है कि ODI में अभी तक वो ODI के टेम्पलेट को, उसके DNA को नहीं पहचान पाए हैं। अब समस्या ये है कि समय कम बचा है, बहुत कम समय बचा है, यहां से लेकर वर्ल्ड कप का रास्ता बहुत छोटा सा ही है। 5 सितंबर को तो प्रोविजनल स्क्वाड अनाउंस करना पड़ेगा, फिर आप चेंज कर सकते हैं टिल आई थिंक 28th ऑफ सितंबर, पर द फैक्ट इज कि आपको करना तो पड़ेगा 15 का स्क्वाड अनाउंस, और उससे पहले तो शायद आप सूर्य को मौका ही नहीं दे पाएंगे इन द प्लेइंग 11, राइट। उसके बाद तिलक वर्मा या तो सूर्य की जगह आ सकते थे या तिलक की जगह आ सकते थे। अब तिलक के पास तो कोई भी वर्क एक्स नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस इन ODI क्रिकेट इनके पास है ही नहीं, क्योंकि खेले नहीं है बच्चा बेचारा, इतना वैसे होनहार है, पोटेंशियल बहुत है, लेफ्टी बैटिंग करता है, पूरे बैटिंग ऑर्डर में सिर्फ एक लेफ्ट हैंडर आपको नजर आ रहा है, बाकी सारे राइट हैंडर है, और थोड़ी सी बॉलिंग भी कर देता है, क्योंकि एक जो पहलू है भारतीय टीम को थोड़ा सा मिस करता है, परेशान होती है भारतीय टीम, वो है कि टॉप 6 में कोई बॉलिंग नहीं करता यार,
हार्दिक पंड्या करते हैं बोलिंग, पर टॉप 5-6 में कोई अदर कोई मतलब कोई ऑफ स्पिन डाल ले, थोड़ी सी लेग स्पिन डाल ले, थोड़ी लेफ्ट आर्म स्पिन डाल ले, तो युवराज सिंह, हर वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर ये काम किया करते थे, यहाँ पर कोई नहीं करता है। तो इस समस्या को सलटाने के लिए, निपटाने के लिए तिलक वर्मा, इन दोनों में से किसी एक की जगह संजू सैमसन आ सकते थे, वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा सीरियस नोट पे बन सकते थे। तो अगर आप संजू सैमसन के फैन है तो यू हैव एवरी रीजन टू बी अग्रीव्ड कि जिस नंबर पे आपने ऑडिशन कराया उस नंबर पे रन्स तो ओके हैं, तो फिर वाई नॉट संजू प्ले। सूर्य की हम बात कर लिए, तिलक वर्मा की भी हम बात कर चुकी, क्यों इनका नाम यहां पर है। यूजी चहल के बारे में मैं जरूर सोचता हूँ यार, यूजी चहल के बारे में मैं इसलिए सोचता हूँ क्योंकि यार आई मीन सिर्फ आप एक रिस्क स्पिनर के साथ जा रहे हो इस टूर्नामेंट के अंदर, आप अगर वो स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा रहते तो आई मीन जस्ट एन ऑप्शन। अभी क्या है कि थोड़ा सा ऑब्सेशन हमारा ये है कि हमारे पास नंबर मतलब हमारा जड्डू भी बैटर बॉलर दोनों काम करें, अक्षर बैटिंग बॉलिंग दोनों काम करें, शार्दुल ठाकुर बैटिंग बॉलिंग दोनों काम करें, तो आपको वो ऑलराउंडर चाहिए नंबर 7-8 पे, तो उसके चलते आप यूजी चहल के लिए जगह नहीं बना पा रहे हो। और यूजी चहल के लिए जगह मुझे लग रहा है वो वर्ल्ड कप में भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि अगर यहाँ नहीं बनी तो वहाँ नहीं बनेगी अनलेस देयर इज एन इंजरी। और इंटरेस्टिंगली इनफ अभी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके की 11 बनाते हैं, क्योंकि नंबर 8 पे जब आप टीम का चयन करते हैं ना, तो नंबर 8 पे या तो आपको अक्षर दिखेंगे या शार्दुल दिखेंगे, इन दो में से कोई एक आपको पक्का खेलते हुए नजर आएंगे। अगर अक्षर खेलते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 10 ओवर जड्डू 10 ओवर अक्षर, नाउ दैट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग 20 ओवर्स ऑफ लेफ्ट आर्म स्पिन, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ बोलिंग एफर्ट आपको दिखेगी। लेफ्ट आर्म स्पिन वर्क करती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंडर्स के सामने आप लेफ्ट आर्म स्पिनर को कराते नहीं हो ज्यादा, तो फिर वो जो रणनीति थोड़ी सी फंस जाएगी। तो हो सकता है अगर वैसा हुआ तो आप नंबर 8 पे फिर आप शार्दुल को देख लो, सामने वाली टीम में अगर 3-4 लेफ्टी हैं तो फिर आप शार्दुल को नंबर 8 पे देखोगे। तो ये एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ऑब्सेशन है अभी हमारा कि नंबर 8 पे हमें बैटर चाहिए, बैटर चाहिए, बैटर चाहिए, चाहिए तो सही लेकिन एट व्हाट कॉस्ट। तो ये एक समस्या है कि यूजी चहल का नाम नहीं है। पर्सनली मुझे लगता है कि यूजी चहल होते तो अच्छा होता, लेकिन अभी तो नहीं है भाई। सिर्फ एकमात्र ऐसा खिलाड़ी था जो जेन्युइन चांस है जिसके 15-17 में आने के, और जो नहीं आया है। इसके बाद क्या आता है, अगर केएल राहुल को निगल है तो फिर क्या होगा, 11 में कौन खेलेगा, मतलब 11 में आप जब खेलेंगे एशिया कप में तो कौन खेलेगा। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ईशान किशन ओपन कर जाए, शुभमन गिल बाहर बैठ जाए, और बाद में नीचे जो है वहां पे श्रेयस अय्यर आपको दिखे, वहां पे आपको केएल राहुल तो नहीं खेल रहे होंगे, विराट कोहली दिखेंगे, श्रेयस अय्यर दिखेंगे, हार्दिक पंड्या दिखेंगे, हो सकता है तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव में से किसी एक को आप खेलते देख लें, क्योंकि दैट्स दी अदर पार्ट राइट, कि ईशान किशन को अगर खिलाना है तो टॉप ऑफ द ऑर्डर खिलाना है। अब हालांकि एक सवाल ये भी आया था, क्या विराट कोहली को नंबर 4 पे भेजा जा सकता है, आई वुडंट वांट टू डू दैट पर्सनली। मतलब मेरे से आप पूछेंगे विराट तो कर लेगा बैटिंग, लेकिन क्या वो सही रणनीति होगी टू एक्चुअली मार्जिनलाइज न्यूट्रलाइज योर मेन वन डे प्लेयर। आप उनको 3 की जगह 4 पे भेज दें, ओवर उतने कम हो जाएंगे, द सेम विराट कोहली वोंट बी देयर, एंड आई एम नॉट टॉकिंग कि उनके दृष्टिकोण से, लेकिन जब भी वो 3 पे खेलते हैं मैच खत्म करते हैं, रन मास्टर, चेज मास्टर एंड ऑल ऑफ दैट, पर नहीं बच पाएंगे ना, तो वो एक दिक्कत आ जाएगी। तो मैं तो चाहता हूँ वो 3 पे रहे। तो अब इसका अर्थ यह है कि या तो शुभमन गिल बाहर बैठे या फिर ईशान किशन बाहर बैठे, लेकिन अगर कोई कीपर नहीं है तो फिर शुभमन गिल को बाहर बैठना पड़ेगा, और शुभमन गिल बाहर बैठ जाए वो भी सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो रिसेंट फॉर्म है वेस्ट इंडीज का दौरा वॉज वेरी वेरी पैची। तो ऐसे पैची दौरे के साथ फिर आप T20 तो आप गए नहीं आयरलैंड खेलने, और वैसे आपके जो T20 के मुकाबले थे जो वेस्ट इंडीज में चल रहे थे वो उतने अच्छे गए नहीं है। तो अगर आप उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो आई मीन देर इज अ फेयर चांस कि आप नहीं कीजिए पिक, आप ईशान के साथ चले जाइए। सो वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। एक बड़ी बात यही है कि अगर केएल राहुल फिट रहते हैं फिर ना तो ईशान किशन खेलेंगे, ना तिलक वर्मा खेलेंगे, ना ही फिर सूर्य कुमार यादव खेलेंगे। फिर किस वो दृष्टिकोण से, किस पैरामीटर पैमाने के ऊपर आप नाप के वो वर्ल्ड कप की 15 का चयन कर पाएंगे, उधर भी डिफिकल्ट वन, क्योंकि ना तो आप सूर्य को बिना रन के ले जाना चाहते हैं इन 5 और 6 इन ओडीआई, ना ही आप तिलक वर्मा को बिना ओडीआई क्रिकेट के एक्सपीरियंस के साथ वर्ल्ड कप में ले जाना चाहते हैं। ये एक समस्या रहने वाली है, क्योंकि पूरे अगस्त के महीने में ना रोहित खेले हैं ना ही विराट खेले हैं, तो इनको तो खेलना है। श्रेयस अय्यर नहीं खेले, कब कितने समय से नहीं खेले, केएल राहुल कितने समय से नहीं खेले, तो अगर इन सबको क्रिकेट खेलनी है तो फिर आप नेपाल के अगेंस्ट भी आप तिलक वर्मा और सूर्या को नहीं दे सकते चांस ना, नहीं दे पाओगे। तो ये एक थोड़ी समस्या है कि इंजरीज के चलते थोड़े से हाथ बंधे रहे भारतीय टीम के और भारतीय मैनेजमेंट के, और इस वजह से जो टीम का सेटअप है थोड़ा सा मेकअप आपको अलग नजर आता, उतना सेटल्ड नजर नहीं आता, इट इज अ रियल प्रॉब्लम। और बॉलिंग की अगर हम बात करें तो फिर फास्ट बॉलर्स में प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल में से कोई एक ही जाएगा वर्ल्ड कप में, सिराज, शामी और बुमराह मुझे लगता है तीनों जाएंगे,
ऐसा लगता है मुझे जाएंगे, जाने चाहिए, लेकिन प्रसिद्ध और शार्दुल में से एक जाएगा क्योंकि नंबर 8 पे बैटर चाहिए चाहिए भारतीय टीम को, विच इज ऑल्सो नॉट मिसप्लेस्ड, पर 8 पे अगर बैटर चाहिए तो फिर शार्दुल को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसका मतलब प्रसिद्ध कृष्णा और फिर मोहम्मद सिराज में इसको एक हो जाएगा, आई मीन अगर प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर फोकस है तो। हालांकि इस स्क्वाड में 5 फास्ट बॉलर हैं, 5 के 5 तो एशिया कप में भी नहीं खेल पाएंगे, सो दैट्स द अदर स्टोरी। अब कुलदीप कितने मैच खेलेंगे, मतलब 8 पे फिर अगर अक्षर नहीं खेल रहे, कुलदीप और जड्डू 2 खेलते हैं तो फिर 8 पे शार्दुल आपको यहाँ खेलते नजर आएंगे, प्रसिद्ध कृष्णा शायद ना दिखे, आई मीन देयर मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। लेकिन इंटरेस्टिंग आपको क्या लग रहा है एशिया कप की टीम कैसी है, क्योंकि वो जो कम रोमांच अभी तक भारतीय क्रिकेट में दिख रहा था कुछ समय से, आज इट इज पीक एशिया कप में, इट विल गो फर्दर एंड वर्ल्ड कप विल बी द पिनिकल। सो अगले 3 महीने तो रोमांच एकदम चरम पे रहने वाला है। पर आपका एशिया कप की टीम को लेकर क्या विचार है, क्या राय है, क्या भूवी होने चाहिए थे, क्या नहीं, सब छोड़ दो, भूवी, शिखर, वॉशिंगटन, अर्शदीप, इनके तो नाम आने के चांसेस बहुत कम थे, ना के बराबर थे, पर संजू सैमसन और यूजी चहल के पक्के थे, तो इनके आप चयन ना होने के निर्णय को, मतलब संजू एज अ ट्रायलिंग रिजर्व नॉट इन द 17 एंड यूजी का कहीं पे भी ना होना, इस निर्णय के बारे में आपकी क्या राय है वो जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजाते रहो, बजा दो, बजा दो, बजा दो, बजाओ बजाओ, प्लीज प्लीज।